हुए संगठन और साथियों को अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 8 जनवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया गया है, उस प्रदर्शन रैलियों को कामयाब करने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी की जितनी भी सारी सहयोगी संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन लोगों को इस पर रैली में बड़ी संख्या में शामिल होना चाहिए। इससे पहले 20 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर एक दिन का धरना प्रदर्शन बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किया गया था। इसका दूसरा चरण जो है ये कल 8 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से NRC और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया जाएगा और इसका अंतिम चरण जो है 29 जनवरी को देश भर में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC के विरोध में भारत बंद का कॉल किया गया है। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनह्यूमन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का, देश के अंदर जो माइनॉरिटीज है या जो सोशल ग्रुप्स है उनके अंदर एक तरह का अविश्वास का माहौल पैदा करने वाला बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस देश के संविधान निर्माताओं ने यहाँ के नागरिकों को, खासतौर पर यहाँ के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को जो विशेष अधिकार दिए थे, एक जो एश्योरेंस दिया था, उन सारे विश्वासों का, एश्योरेंस का हनन करने वाला ये बिल है। इसलिए हम इस बिल के विरोध में हैं। अगर सरकार अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है तो बहुजन क्रांति मोर्चा इसके विरोध में मैदान में रहेगा और हर संभव कोशिश करके इस बिल के विरोध में देश भर में जागरण करेगा। अगर सरकार इस देश के अंदर NRC लागू करना चाहती है तो हम लोग उस NRC को लागू करने की एक ही शर्त रखते हैं। एक ही शर्त में NRC का समर्थन किया जा सकता है और वो शर्त है कि NRC DNA के आधार पर लागू की जाए। जब तक इस देश के अंदर DNA के आधार पर NRC लागू नहीं होती तब तक हम NRC का समर्थन नहीं करते, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन नहीं करते। NRC अगर लागू करना है तो उसमें DNA को बेस बनाया जाए और DNA के आधार पर इस देश के अंदर NRC की जाए तो अपने आप ये साबित हो जाएगा कि इस देश के अंदर के वास्तविक घुसपैठिया कौन है। सरकार के द्वारा या तथाकथित राष्ट्रवादी और संघ परिवार के द्वारा जो घुसपैठियों के नाम पर जो आतंक मचाया जा रहा है वो, और वास्तविकता में कौन घुसपैठिया है ये DNA के द्वारा साबित किया जाएगा। तो DNA कार्ड के आधार पर, DNA के बेस के आधार पर NRC लागू की जाए, उसी शर्त में NRC का समर्थन किया जा सकता है। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में अगर NRC लागू होता है तो उसके शिकार केवल मुस्लिम नहीं होंगे। इस देश में 10.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, उतनी ही संख्या में नॉमिनेट ट्राइब्स के लोग है, घुमंतू जनजाति के लोग है, जिनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, वो डेली अपना जीवन यापन करने के लिए घूमते हैं। तो ऐसे लोगों के पास में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ये घुमंतू जाति के विरोध में है, ये आदिवासियों के विरोध में है, ये शेड्यूल कास्ट के विरोध में। इतना ही नहीं तो इस देश के अंदर लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग जो कि झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है, उन लोगों के पास में कौन सा रिकॉर्ड है। भारत में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा के प्रवासी मजदूर है जो अपना घर गांव छोड़कर शहरों में, महानगरों में रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं, उन लोगों के भी विरोध में ये बिल जाएगा। तो ये केवल मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, मुस्लिमों से ज्यादा इसका शिकार SC ST OBC और नॉमिनेट ट्राइब के लोग होने वाले हैं। इसलिए सभी लोगों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। कल 8 जनवरी को जो प्रदर्शन रैलियां होगी उस प्रदर्शन रैलियों में भी इस बात का ज्यादा प्रचार किया जाए और ज्यादा संख्या में SC ST OBC के लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाए और इसके बाद भारत बंद की व्यापक तैयारी हम लोग करना चाहते हैं। इसके लिए भी समाज को आह्वान करते हैं कि जो इस देश के अंदर के मूल निवासी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
वकील है, इन लोगों को हम अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में कल के 8 जनवरी की जो प्रदर्शन रैलियां होने वाली है इसको कामयाब करें। ये लड़ाई केवल नागरिकता साबित करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपनी विरासत को साबित करने की लड़ाई है। हम इस देश के मूल निवासी है और ये देश हमारा है। कोई आकर आपकी नागरिकता पर या कोई आकर आपकी विरासत पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के कहने से आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने देने की जरूरत नहीं है। ये DNA साबित करेगा कि कौन इस देश का मूल निवासी है और कौन घुसपैठिया है। तो हम लोग NRC को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें DNA को बेस बनाना चाहते हैं। DNA के आधार पर NRC लागू की जाए। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से यही एक आह्वान हम देश भर की जनता को करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल करने का आह्वान करते हैं। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी के नाते इस देश के अंदर के तमाम बहुजन संगठनों को अपील करता हूँ कि 8 जनवरी को जो जिला स्तर पर प्रदर्शन रैलियां हो रही है उसमें शामिल हो जाए। इतनी ही बात मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।